की है। मास्टरमाइंड जफर से अलग कमरे में पूछताछ हुई है। पूछताछ में हिंसा पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। जफर हयात ने कई नेताओं को मास्टरमाइंड बताया है, सूत्रीय बता रहे हैं। बाकी तीन आरोपियों ने पूछताछ में गोलमोल जवाब दिए हैं। हालांकि हिंसा का वीडियो दिखाकर जफर से पूछताछ भी की गई है, ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त ये, चूंकि जो मास्टरमाइंड है हयात जफर, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद से ही इससे पूछताछ हो रही है। अब बड़ी खबर ये जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि एक अलग कमरे में पूछताछ हुई है जफर से, जिसमें हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। ये बड़ी खबर है क्योंकि जफर हयात ने कई नेताओं को मास्टरमाइंड बताया है, ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हालांकि जो जफर के अलावा तीन अन्य आरोपी हैं, उनसे जब पूछताछ की गई है तो वो पूछताछ में गोलमाल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वो क्लियरली कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं है, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। लेकिन जफर ने जरूर इस बात का जिक्र किया है कि कई मास्टरमाइंड इसमें शामिल है। कई नेताओं का जिक्र भी जफर हयात ने किया है, जिन्हें मास्टरमाइंड बताया है जफर ने पूछताछ के दौरान, ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हालांकि जफर के अलावा जो अन्य तीन आरोपी हैं, वो क्लियरली कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे सहयोगी जेपी भी हमारे